हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। एंड गाइस, आज आपके लिए जो है एयरटेल फाइबर से जुड़ी हुई कुछ तीन टिप्स लेके आया हूँ मैं, जिसके अंदर आप बेहतरीन इस परफॉर्मेंस पा सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करने के बाद में। सबसे पहले गाइस, आपको करना क्या है, अपने वाईफाई से आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको चले जाना है सिंपल सा अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ऐप के अंदर। यहाँ पर आपको गाइस ओपन करने के बाद में आपको देखने को मिल जाता है रिबूट राउटर नीचे ही नीचे। गाइस, सबसे पहला ऑप्शन आपको ये टिप यही फॉलो करनी है कि अपने राउटर को रिबूट कर लेना है। एक बार आपकी कनेक्टिविटी इशू या फिर कोई भी स्पीड में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, हो सकता है इससे सोल्व हो जाएगा, फिर आपको रिबूट राउटर करके ये यहाँ से आपको इसको कमांड दे सकते हैं, या फिर आप इसको मैन्युअली अपने राउटर जहाँ पे कनेक्ट है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं स्विच को एक बार के लिए। तो उससे क्या होगा, रिबूट हो जाएगा राउटर, उसके बाद में फिर से रिस्टार्ट होगा तो सारी चीज़ें फिर से सही काम करने लगेंगी। गाइस, अगली जो टिप है वो आपके लिए ये है कि अपने ऐप के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन का, इसको आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ से आप जो अपने वाईफाई के ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एयरटेल ने खुद इसको रिकमेंड किया हुआ है कि आप अपने एयरटेल ऑप्टिमाइजेशन को इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। जिससे होता क्या है कि आपके घर के पास में जितने भी वाईफाई राउटर्स लगे हैं उनके सिग्नल के साथ आपके वाईफाई के राउटर के सिग्नल्स का इंटरफेरेंस हो जाता है, जिससे हमें कवरेज के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलता है और स्पीड के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। जिससे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो इंटरफेरेंस चेंज हो जाएंगे, आपके वाईफाई का चैनल जो है वो अलग कर दिया जाएगा उससे, और कुछ अपडेट्स वगैरह होंगे वो भी इसके थ्रू आ जाते हैं। तो गाइस, सेकंड स्टेप ये है। गाइस, थर्ड स्टेप आपको करने का है वो भी इसी के अंदर है। आपको अपने चले जाना है क्विक डायग्नोस्टिक में। गाइस, हो सकता है आपके वाईफाई के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, यदि आपके नेट नहीं चल रहा है या फिर कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है, तो गाइस आपको यहां से स्टार्ट चेक कर देना है जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पे। गाइस, इससे क्या होगा कि स्टार्ट चेक करने के बाद में ये आपके राउटर की सारी जो प्रोफाइल है उसको चेक करेगा, उसके बाद में आपकी कनेक्टिविटी यदि यहाँ पर सही होगी तो उसको सारी चीज़ें राइट के निशान से आ जाएंगी। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो ये क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद में आपके पास में एक आईटी सपोर्ट टीम आएगी जो आपको इसको सोल्व करने में मदद करेगी। तो गाइज़, ये तीनों टिप्स आपको फॉलो करने के बाद में आपकी जो भी एयरटेल के अंदर सारी जो प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क या फिर स्पीड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी आपकी सोल्व हो जाएंगी। तो गाइज़, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एयरटेल से कोई भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।